इसमें मुजाहिफा नहीं है। तबलीगी जमात बन जाए, जमाती सियामी बन जाए, अहले हदीस बन जाए, अहले सुन्नत बन जाए और बन जाए। आप यहाँ पर बैठे हुए नंदी भेंट के मुसलमान, आप खुद एक जमात बनाइए, कोई मुजाहिफा नहीं है। लेकिन ये जमात अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने वाली हो, किसी के ताल्लुक से गलत फहमियां ना पैदा है, किसी के ताल्लुक से बुरा भला ना कहे, कुरान और हदीस की रोशनी में जो तालीमात दी गई है उसके ऊपर अमल करना, दरअसल कुरान हकीम की तालीमात में है। आज हमारी क्या सूरत हाल है बताइए हजरात। रुजू अल कुरान का मतलब यही है, वाबिस्ता हो जाओ कुरान से, माँ की खिदमत, बाप की खिदमत, पड़ोसियों के हुकूक, बच्चों के हुकूक, सारी चीजों की अदायगी दरअसल रुजू अल कुरान है, कुरान की तरफ रुजू होना। ये सारी बातें कुरान में बताई गई है, ये सारे हुकूक कुरान में गिनाए गए हैं। बड़े अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ती है, क्या अभी बात आ रही थी, हमारी अदालतें, हमारे पुलिस स्टेशन और हमारे पास जाकर के देखिए, बुर्का पोश खवातीन, बीवी को गुस्सा आता है तो शौहर सबर करने के लिए तैयार नहीं, शौहर को गुस्सा आ जाए तो बीवी दरगुजर करने के लिए तैयार नहीं,